कारगिल युद्ध के शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की याद में बने सौरभ वन विहार पर बारिश ने तबाही मचा दी है। पालमपुर के प्रमुख पर्यटक स्थल के तौर पर उभर रहे सौरभ वन विहार का एक बड़ा हिस्सा बारिश के चलते न्यूगल खड्ड में बड़े जल स्तर की भेंट चढ़ गया है। पालमपुर के निकट धौलाधार की पहाड़ियों पर देर शाम बादल फटने से न्यूगल खड्ड में पानी का स्तर बढ़ गया। न्यूगल खड्ड के पानी ने अपने बहाव का रुख बदला और देखते ही देखते सौरभ वन विहार का काफी भाग पानी में बह गया। सौरभ वन विहार को जाने वाला रास्ता अब नजर नहीं आ रहा है तो मुख्य गेट और उसके आसपास स्थापित प्रतिमाओं का भी कोई अता पता नहीं है। सौरभ वन विहार की झील जहाँ नौका विहार किया जा रहा था तो पूरी तरह टूट गई है। एक शानदार पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। एक्वेरियम का भवन तो अभी सुरक्षित है लेकिन उसके अंदर इतना नुकसान हुआ है कि ये पानी कम होने पर वहां जाकर ही साफ हो पाएगा। वन विभाग के दो कर्मी रात भर इस स्थल पर फंसे रहे और उनको सुबह ही निकाला जा सका। डीएफओ पालमपुर वीएस यादव के अनुसार अब तक सौरभ वन विहार के निर्माण पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका था जबकि अब हुए नुकसान से अब वन विहार को फिर से उसी रूप में लाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए खर्च आने का आंकलन बना है। सौरभ वन विहार में पिछली रात जो है इसका न्यूगल खड का कोर्स चेंज होने से पूरा का आधा, पूरा तो नहीं, आधा पानी जो है मतलब इट डिवाइडेड इनटू न्यूगल खड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट जो है वो नीचे को जा रहा था और सेकंड पार्ट जो है वो मोर ओवर मतलब इट वाज 50-50, आधा पानी जो है वो खड में जा रहा था और आधा पानी जो है वो सौरभ वन विहार की तरफ जा रहा था। तो ये पानी जो है लगभग 11 बजे सौरभ वन विहार में एंटर किया था। हमारे दो वर्कर वहां मौके पर मौजूद थे तो एकदम से उन्होंने बताया कि एकदम से उस पानी का जलस्तर बढ़ गया और उन्होंने भी रात भर पत्थर के ऊपर जो सौरभ कालिया की जो प्रतिमा है उसके ऊपर जो पत्थर है, पत्थर के ऊपर जो प्रतिमा है उस पत्थर पे बैठ के उन्होंने पूरी रात निकाली है। और उनको लगभग 8:30 बजे, 8:30 और 9 बजे के करीब हमने रेस्क्यू किया है। नाउ दे आर सेफ। तो सर इसको बनाने में कितना खर्च आया था और कितना नुकसान हुआ है? अभी तक इसमें कुल जो खर्च हुआ है वो 2.5 करोड़ के करीब खर्च किया गया है और उसमें अभी हमारा जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसमें कोई ज्यादा लॉस सिर्फ गेट को और झील को छोड़ के इतना नहीं हुआ है क्योंकि इसमें रिसेप्शन हमारी बच गई है, एक्वेरियम हमारा बिल्डिंग तो स्टैंड है, अब अंदर देखते हैं उसको खोलने के बाद क्या क्या उसमें हुआ है। टॉयलेट्स हमारे हैं, हमारी कैफेटेरिया इज सेफ, तो झील के साथ जो रेन शेल्टर था वो भी सेफ ही है। तो इस तरह से हमारा जो लॉस है वो झील का, गेट का और कुछ इरिपेरेबल लॉसेज जो हैं, जैसे उसने पानी से रॉक्स स्प्रेड हो गई अंदर, रेत ही रेत भर गया है, तो उसको रिकवर करने के लिए भी हमारे को काफी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो लगभग 5 करोड़ के करीब इसमें लॉस हमारा हमने आंका है अभी तक। और इसका जो सही आकलन जो है वो जैसे ही इसका वाटर लेवल डाउन होता है तो पूरा सर्वेक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि कितना कर हमारा लॉस हुआ है। एक अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पे कारगिल युद्ध का चित्रांकन किया गया था Yes. हाँ, रॉक गार्डन, रॉक गार्डन इज सेफ, अवर रॉक गार्डन इज सेफ, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ।